दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती साइकिल 5 2023 चल रही है। इसका प्रोसेस कंप्लीट सा होता जा रहा है। 3 लिस्ट अब तक आ चुकी है और 3 लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने साइकिल 5 में फॉर्म अप्लाई किया क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है 40,889, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का अच्छी खासी परसेंटेज होने के बावजूद भी 3 3 लिस्ट आ गई है, फिर भी नंबर नहीं आया। उनको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि 4थी लिस्ट कब तक आए। तो आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं कि 4थी लिस्ट कब तक आ रही है, कितने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, 3rd लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब इसे क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे अभ्यर्थियों से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। यहाँ आपके लिए पल पल की ऑफिशियली प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 BPM ब्रांच पोस्टमास्टर एंड ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर भर्ती की। दोस्तों 4थी लिस्ट कब तक आएगी, ढेरों सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर सवाल कर रहे हैं, YouTube पर बार बार सर्च कर रहे हैं, Google पर भी बार बार सर्च कर रहे हैं कि 4थी लिस्ट का लेटेस्ट कोई अपडेट आया है क्या। तो अभी बताने वाला हूँ, लिस्ट आएगी तो फिर कब तक आएगी एंड आ गई तो फिर कितने का नाम आएगा। इन दो सवालों में ढेरों सारे अभ्यर्थियों का मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। ध्यान देना, पहले आपको 3rd लिस्ट का अपडेट लेना चाहिए, उसके बाद 4थी लिस्ट का आपको ख्याल आना चाहिए। 3rd लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपूर्ण हो चुका है और इसमें एक गजब की बात बताऊंगा, आपका 27 मई 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। 15 दिन का टाइम दिया गया था एंड अब 3rd लिस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कुछ अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद अब यह डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितनी सीटें रिक्त रह रही है। अब सीटें कैसे देखी जाती है, सबसे पहले सर्किल वाइज देखी जाएगी, उसके बाद डिविजन्स वाइज सीटों का डाटा पेश किया जाएगा, उसके बाद BO वाइज कहीं ना कहीं ये देखी जा रहा है कि अब तक 3 लिस्ट आ गई है, फिर भी 40,889 सीटों में कितनी सीटें भर गई है और कितने कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। ठीक है, ये डाटा बहुत जल्द बनाया जा रहा है। एक और बात बता देता हूँ आपके लिए कि 3री लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मेरी ढेरों सारे अभ्यर्थियों से बात हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा मोरे को बताया कि किस कारण रिजेक्ट हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए अभ्यर्थियों की जगह पर नए कैंडिडेट्स यानी कि आपकी किस्मत भी खुल सकती है, बुलाया जा सकता है 4थी लिस्ट में, वो मैं अपडेट अभी देने वाला हूँ। किस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुए वो सुन लीजिए। फॉर्म सही से नहीं भर पाए बहुत सारे अभ्यर्थी, लिस्ट में तो नाम आ गया, आपको मालूम होना चाहिए हजारों कैंडिडेट्स का 3री लिस्ट में नाम आया, लेकिन उन हजारों कैंडिडेट्स में से नाम मात्र के कैंडिडेट्स ही सफल अपना DV करवाए हैं। फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट्स गलत डाल दिया, बोर्ड का नाम गलत डाल दिया, बहुत सारे कारण है, फर्जी परसेंटेज डाल दी, 80% को बढ़ा करके इन्होंने 90% डाल दिया, जब DV करवाने गए तो सीधा रिजेक्ट कर दिए गए। नेक्स्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स का ना होना, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, वैलिडिटी उसकी समाप्त हो चुकी थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे एंड DV करवाने भी नहीं गए, ये भी एक कारण है दोस्तों। नंबर तो आ जाता है, फॉर्म अप्लाई करता है स्टूडेंट्स, लेकिन GDS की नौकरी नहीं लेना चाहता, उसकी नौकरी कहीं ऊंची पोस्ट पर लग गई है और डिपार्टमेंट के अंदर लग गई है, या फिर वो है, साफ साफ शब्दों में कहूं तो GDS की नौकरी नहीं लेना चाहता, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम 4थी लिस्ट के बारे में सोच सकते हैं। आइए 4थी लिस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि 27 मई 2023 तक यह DV चला। अब आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि कब तक आएगी, तो मेरे भाई ये जून के
फर्स्ट सप्ताह तक आएगी, ठीक है, जून के फर्स्ट सप्ताह तक यह चौथी लिस्ट आएगी। कितने का नाम आएगा, तो इसमें आप मानकर चलिए कम से कम 15,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आएगा। आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये GDS है मेरे भाई, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार ही है, कैंडिडेट्स अपने फर्जी परसेंटेज डलवा करके नाम लिस्ट में नाम तो दर्ज करवा सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हजारों कैंडिडेट्स का नाम आता है। घबराए नहीं, आपका भी सिलेक्शन निश्चित है। कुछ सर्किल की कट ऑफ की बात करूँ चौथी लिस्ट में तो मात्र 60% पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। सर्किल वाइज आपकी जो है कट ऑफ नहीं बनती है, वीओ वाइज बनती है। अगर आपने पोस्ट प्रिफरेंस अच्छे से दिया है डिविजन्स वाइज तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। आप कहोगे सर राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से है, आपने कहा 60% पर सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी तो 90% है फिर भी नहीं हुआ, क्यों आप अफवाह फैलाते हो क्या? नहीं मेरे भाई, आपका 90% पर सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन आपका ही दोस्त का, कहीं ना कहीं आपके ही छोटे बड़े बहन भाई का 60% पर सिलेक्शन हो जाएगा आपके ही सर्किल से, क्योंकि सर्किल वाइज कट ऑफ न बन के डिविजन्स वाइज और वीओ वाइज बनती है। जो अभ्यर्थी GDS की कट ऑफ को अच्छी तरीके से परखना जानता है वो इस प्रकार के सवाल नहीं करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ गिरेगा ये बिल्कुल पक्का है दोस्तों, क्योंकि मुझे पूरी पूरी संभावना लग रही है कि थर्ड लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हाल हुआ। आप लोग तो बात नहीं करते हो लेकिन मेरे से बहुत सारे अभ्यर्थी टच में है, उनसे मेरी बात होती रहती है किस प्रकार DB हुआ, तो उस चीज को देखते हुए ये मैंने आपको अपडेट दिया है। बार बार YouTube की झूठी अफवाहों से आपको बचना है तो अब इसे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड गूगल पर भी बार बार किसी भी गलत साइट पर विजिट ना करिएगा। आप जब साइट खोलोगे चौथी लिस्ट आ गई है, यहां पर क्लिक कीजिए कुछ नहीं मिला, फिर यहां पर क्लिक कीजिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहां पर क्लिक कीजिए कुछ नहीं मिलेगा, चौथी लिस्ट नहीं मिलेगी, आप पागल हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन 2023 या फिर GDS ऑनलाइन 2023 में ऑफिशियली वेबसाइट है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका जो है कहीं ना कहीं लिंक ओपन हो जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उससे आप चेक कीजिएगा। पढ़े लिखे हो, समझदारी से काम लीजिए, अब से क्लासेस भरोसेमंद है, ये पुराने कैंडिडेट जानते हैं। जब भी चौथी लिस्ट की कोई भी ऑफिशियली ऐसी अपडेट आएगी सबसे पहले प्रोवाइड करवाएगा, उसका नाम है अभिषेक क्लासेस। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आपकी कितनी परसेंटेज है कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य आज मैसेज छोड़िएगा, कौन से राज्य से हो, कितनी परसेंटेज है, क्या कुछ चल रहा है आपके वहां, आपकी राय मैं देखना चाहता हूं। आइए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे लाइव के माध्यम से बहुत जल्द, वो मैं आपको समय बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।